जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रदेश में 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव के दौरान नेताओं का एक दूसरे पर जुबानी हमला भी जारी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा चुनाव प्रभारी राम माधव ने श्रीनगर में नेका और पीडीपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमने जम्मू कश्मीर को नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के खानदानी राज से आजाद कराया है। साथ ही कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि जिनकी वजह से जम्मू और घाटी के लोग पिछले 34 सालों से बहुत बड़ी त्रासदी झेल रहे हैं, उनसे इस चुनाव में मुक्ति मिलेगी। वहीं राम माधव ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव जीतने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी आतंकियों की मदद ले रही है। वो एक एमएलए रहते हुए और आगे बढ़ाएंगे और कश्मीर की जनता से, विशेषकर लाल चौक की जनता से अपील करेंगे कि इंजीनियर को वोट दे और जम्मू कश्मीर की जनता को हम याद दिलाएंगे कि पुराने दिनों की तरफ, पुरानी मुसीबतों की तरफ ले जाने के लिए जो मैनिफेस्टो लेकर आए हैं एनसी वाले, पीडीपी वाले और तमाम लोग जो खुलकर मिलिटेंटों का मदद लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, जो एक्स मिलिटेंट है, मैं देख रहा हूं, मेरे पास जानकारी आ रही है, खुलकर एनसी पीडीपी के कैंडिडेट के लिए कैंपेन में जुट गए हैं। जम्मू कश्मीर के जनता की इच्छा है, नया नेतृत्व चाहिए, अच्छी संख्या में युवा आगे आ रहे हैं, उन युवाओं को प्रोत्साहन देना चाहिए जो दो परिवारों के चंगुल में फंस गया था ये राज्य पूरा, उन परिवारों को मुक्ति दे दो, उनको छुट्टी करो, इस राज्य को मुक्ति दिलाओ, उसके लिए नए युवा जो आ रहे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए हम पूरी तरह समर्थन करते हैं।